दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। और आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया है वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी जल्दी हमारे लगभग 1500 सब्सक्राइबर हो गए। ये सारे मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के ही लोग हैं जो मेरे न्यूज को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं आपको, जो मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव होने वाला है, जो कि आगामी 3 नवंबर को होगा, अभी तक जो हमें सूचना प्राप्त हो रही है वहां पर महागठबंधन के तरफ से श्रीमती अजय यादव जी, जो वर्तमान विधायक भी हैं, और बीजेपी के तरफ से राजेश सिंह को टिकट दिया जाएगा। लेकिन एक और जो कैंडिडेट हैं वो हैं अजय कुमार बुलगानिन, जो कि यहाँ 3 बार विधायक रह चुके हैं मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के, लेकिन अभी तक सिर्फ 1 बार ही अपना पूरा कार्यकाल पूरा किए हैं। पहली बार जब वो विधायक बने थे लोजपा के टिकट पर 2005 में, फरवरी महीना था, और दूसरी बार बने थे आरजेडी के टिकट पर 2005 में ही अक्टूबर में। फिर से जब उपचुनाव हुआ 2014 में तब जाकर हुआ, तीसरी बार विधायक बने, और 15 में उनका टिकट कट गया और उनके टिकट पर आरजेडी ने 2015 में श्रीमती अजय यादव को दी, जो कि भारी अंतर से जीतकर विधानसभा पहुंची। अब बात करते हैं 2020 की, जब चुनाव सर पर है तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जैसा कि हम आपको लगातार वीडियो दिखाते आ रहे हैं। लेकिन अब जो बात करेंगे हम, लोगों की प्रतिक्रिया अभी नहीं दिखा रहे क्योंकि मैं अपने न्यूज रूम से बोल रहा हूं। पहले के जो प्रतिक्रिया आपने देखी है उसी को आप ध्यान में रखिएगा। कहते हैं मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र यादव बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहां पर हर चौथा टर्म एक बार राजपूतों को जरूर मौका देती है, यह कहने की बात है। जैसा कि लगातार 90 से रामचंद्र बाबू बनते आ रहे थे, 2005 तक लगातार वो बने, 2005 में बुलगानी जी बने और 2010 में बीजेपी के टिकट पर राणा गंगेशर जी जीत कर आए। ये तो सिर्फ कहने की बात हुई, लेकिन असल बात जो यहां पर जब मैं जमीन पर पहुंचा तो लोगों ने कहा कि यहां पर बीजेपी के नाम पर तो टिकट हमने गंगेशर बाबू को दे दिया, लेकिन वास्तव में वो जमीनी नेता नहीं थे, सिर्फ अपने जात के लोगों का विकास किया, सिर्फ अपने जात के लोगों का। तो यहां भी बात उठकर यही आ जाती है, काफी लोग होते हैं चर्चा करते हैं, जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं वो लगातार इस बात का मुद्दा रखते हैं कि जे गंगेशर बाबू ने बहुत विकास किया मोहद्दीनगर में 2000 के बाद, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं गया। कि आप देख रहे होंगे मोहनपुर प्रखंड में, पटोरी प्रखंड में क्या चीज राणा बाबू ने दे दिया है, यानी कि जो मेंटेलिटी सेट करते हैं वो लोग, उनको ये पता नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अपने सौहार्द के लिए, अपने क्षेत्र में अपने जाति के लिए की किया। और सिर्फ जो ब्लेम दिया जाता है वह है लालू यादव को कि जाति के नाम पर वो काम करते हैं। एक भी काम अगर राणा बाबू ने अगर मोहनपुर प्रखंड, पटोरी प्रखंड में या मोहद्दीनगर प्रखंड के अगर अपने जाति के अलावा दूसरे जगह कर दिए हैं, तो जहां तक मैंने घूमा कोई लोग भी ऐसा नहीं बताते कि उन्होंने काम किया है। लेकिन एक बात लोग जरूर कहते हैं, वह एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति थे, गणमान्य व्यक्ति थे, वह लोगों की कदर करते थे। आजकल का नेता सब वैसा ही होता है, जब आपको जरूरत पड़ेगा हाथ पकड़ेगा, पैर पकड़ेगा, लेकिन काम हो जाने के बाद वह अपने मगन हो जाता है। तो राणा बाबू भी उसी कैटेगरी के नेता थे, ना ही वो जातिवाद से मुक्त नहीं थे, वो भी जातिवादी ही थे। सिर्फ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं लगातार कि राणा बाबू ने जो काम किया आज से 2000 से पहले को बाद में किसी ने नहीं किया, बुलगानी जी भी किए, रामचंद्र बाबू ने बहुत दिया मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र को, श्रीमती अजय यादव जी ने भी दिया, लेकिन मोहनपुर प्रखंड में खास करके और पटोरी प्रखंड में राणा बाबू का क्या निशानी है? कोई निशानी नहीं। लेकिन अब बात करते हैं, जब निशानी की बात किया जाए तो अगर सड़क को छोड़ दिया जाए तो श्रीमती अजय यादव जी का भी कोई निशानी नहीं। हमें याद है जब 2018 में
लड़कों ने महनार मोहद्दीनगर पथ के लिए जब रोड पर धरना दिया तो उन पर केस हो गया था और वह केस अभी लगातार चल ही रहा है। मैं किसी आदमी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन अगर रोड पर धरना देने के लिए किसी व्यक्ति पर केस हो जाए और आप वहां मौजूदा विधायक हों तो आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। चलिए, ये तो बात हो गई जो लगातार घटनाक्रम होते आ रहा है उस पर। अब बात करते हैं कि कौन यहां से जीतने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर आरजेडी के उम्मीदवार लगभग श्रीमती एजा यादव जी तय हैं और बीजेपी के उम्मीदवार राजेश सिंह तय हैं। पहले राजेश सिंह के बारे में हम आपको बता देते हैं। राजेश सिंह 2014 में जब उपचुनाव हुआ था तो बीजेपी के टिकट पर आए और यहां पर अच्छे मत प्राप्त किए, लगभग 30,000 के आसपास जो था, लेकिन वह जीत नहीं पाए। बुलगानी जी काफी अंतर से जीत गए क्योंकि उस टाइम जदयू और बीजेपी का अलायंस नहीं था, तो इस कारण से उनका कहना था कि हमारा जो जदयू का कुछ वोट प्रतिशत था वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। अब आते हैं 2015 का चुनाव। 2015 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर सत्येंद्र नारायण सिंह लड़े, जिन्हें तकरीबन 18,000 मत प्राप्त हुए। वहीं निर्दलीय सीट पर लड़े राजेश सिंह, जिन्हें 22,000 समथिंग कुछ, यानी कि 23,000 मत प्राप्त हुए। वहीं आरजेडी महागठबंधन, आरजेडी कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे और जदयू के जो उम्मीदवार थे श्रीमती एजा यादव जी, जिनको 46,000 के करीब मत प्राप्त हुए थे। अगर बात किया जाए यहां पर तो 14% बीजेपी को 2015 में मत यहां पर प्राप्त हुए थे मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में, वहीं राजेश सिंह को 19%। अगर बात किया जाए यहां पर मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में तो 45% महागठबंधन को वोट शेयर था। वहीं बात किया जाए सुनील कुमार को तो 10%, उसके बाद बुलगानी जी को 6% और अलग अलग निर्दलीय काफी संख्या में थे, उन्हें तकरीबन सब 1,000-2,000 वोट काटे हैं, उनका आंकड़ा मैं आपको नहीं दे रहा। तो ये तकरीबन ये सब आंकड़ा था 2015 का। अगर आप बात किया जाए उस टाइम जो 2015 का चुनाव था, लोजपा और बीजेपी एक साथ लड़ी थी, तो आप देखिए लोजपा का जो वोट है वो ट्रांसफर बीजेपी को नहीं हो पाया। कहते हैं जो फॉरवर्ड जातियां हैं यहां पर 35,000 से 40,000 राजपूत हैं और 10,000 बनिया, तो 50,000 के आसपास यहां पर फॉरवर्ड जातियां हैं। लेकिन अगर फॉरवर्ड जाति अगर बीजेपी को वोट करती तो सिर्फ 18,000 सत्येंद्र नारायण सिंह को मिला। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जो फॉरवर्ड जातियां हैं वो राजेश सिंह को भी निर्दलीय के रूप में ट्रांसफर वोट करती, लेकिन 22,000 और 18,000 को जोड़ दिया 40,000। तो कहने को ये कहा जाता है कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे वो राजेश सिंह को और नीतीश कुमार के नाम पर वोट शेयर कर दिए। अब जब बात करते हैं कि 22-18 जोड़ दिया जाए 40,000 होते हैं, अगर जदयू अगर साथ है इस बार तो जदयू का वोट बैंक कहते हैं मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 10,000, तो 40 और 10 50,000 हो जाते हैं। तो उस टाइम जो जदयू का कुछ बैकवर्ड वोट था वह भी राजेश सिंह को पड़ा था। तो अगर तकरीबन मान के चलिए 50,000 होता है तो ये तीन दल जो गठबंधन किए हैं और मुकेश सहनी ऑलरेडी ऐसे 2015 में भी मुकेश सहनी उन्हीं के साथ थे तो वह वोट भी उन्हीं को गया था। तो इसलिए 50,000 के आसपास अगर जो गठबंधन है हम उम सब मिलाकर के जो हैं, सिर्फ एक जदयू 2015 के चुनाव में नहीं थी, बीजेपी एनडीए के गठबंधन के साथ वह जुड़ गई है, तो 50,000 ये आंकड़ा जाता है। वहीं बात किया जाए आरजेडी का तो आरजेडी को उस टाइम सिर्फ कांग्रेस, जदयू और राजद थी, ये तीनों दल। ऐसे भी जदयू का वोट अगर उधर चला 10,000 इधर माइनस होता है तो 37,000 आ जाएंगे। 8,000 उस टाइम बुलगानी जी को पड़ा था। तो ये जो 10,000 कम्युनिस्ट का वोट जो मनोज कुमार सुनील को उस टाइम मिला था, क्योंकि गठबंधन में है तो 10,000 इधर प्लस कर देंगे, तो यह
आरजेडी यानी जो महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे और एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे उसमें नोक टू नोक फाइट होगा, यानी कि कौन जीतेगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या जो मोहद्दीनगर के दावेदार थे, जिन्होंने 2015 में जो बीजेपी की कैंडिडेट को हराया निर्दलीय लड़कर, क्या उसे माफ कर पाएंगे जो उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगा? तो क्या वह क्षेत्र में अपने फील्ड में अपने समर्थकों को नहीं बताएंगे कि किस कारण से उनकी हार हुई है? अगर सत्येंद्र नारायण सिंह या राज कपूर सिंह या उमा शंकर सिंह, तीनों में से कोई एक अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो कहा जाता है तीनों की तिकड़ी है। जो मोहद्दीनगर का राजपूत ब्राह्मण जो भी हो, फोरवार जाति का, तीनों को मानता है अपना आदर्श, और ऊपर से मोहनपुर प्रखंड के अनिल सिंह, ये सब एक मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के राजपूतों की रीढ़ बने हुए हैं। तो क्या यह चारों मिलकर के राजेश सिंह को अगर बीजेपी टिकट दे तो रोक पाएंगे, या कोई एक लड़कर के फिर से राजेश सिंह का पत्ता काटने का यहां पर काम करेंगे? पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, अगर राजेश सिंह को टिकट दिया जाता है बीजेपी के तरफ से, जो कि लगभग कंफर्म है, और श्रीमती अजय यादव जी को राजद के तरफ से, तो जो जैसा कि हम लगातार लोगों से बात करते आ रहे हैं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वह लोकल बनाम बाहरी होगा। अभी तक जो हमें सूचना प्राप्त हो रही है सिर्फ इसमें एक ही लोकल कैंडिडेट हैं, वह जो पार्टी से हैं पप्पू यादव की पार्टी से हैं, जाप पार्टी से हैं, जन अधिकार पार्टी से हैं, अजय कुमार बुलगानी जी। तो जैसा कि लोगों का कहना कि यहां के सांसद भी बाहरी हैं और विधायक हमें बाहरी नहीं चाहिए, तो रुझान इस बार, और चूंकि लगातार पिछले कई दो साल से आप देख रहे हैं कि पप्पू यादव कितने काम कर रहे हैं ग्राउंड पर, इस बार जरूर वोट ट्रांसफर होगा बुलगानी जी के तरफ। पहला वोट तो यह ट्रांसफर होगा कि पप्पू यादव के नाम पर, जो लगातार दो साल से काम कर रहे हैं उसके नाम पर वोट, अगर 5 से 10 हजार ट्रांसफर होते हैं तो जो पिछला था उनका दुगुना कर दीजिए, तो लगभग 15 से 20 हजार वोट ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर यहीं पर बात किया जाए लोकल प्रत्याशियों की, लोकल प्रत्याशियों की बात किया जाए, तो यह मामला यहां पर त्रिकोणीय में फंस जाएगा। त्रिकोणीय नहीं, इस बार अगर कोई भी कैंडिडेट अगर निर्दलीय जिसका दबदबा हो, जैसा कि मैंने नाम बताया, सत्येंद्र नारायण सिंह, राज कपूर सिंह, उमा शंकर सिंह और अनिल सिंह, इन चारों में से कोई भी अगर प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इनकी जीतने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी, क्योंकि जो यादव वोट में सेंध लगाएंगे वह हैं बुलगानी जी, और जो बैकवर्ड में सेंध लगाएंगे वो फिर से होंगे राजेश सिंह, और जो उछली जाति के लोग हैं वो सीधा और सीधा, जैसा उनका लगातार आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक ट्विटर पर, उनका लगातार कहना है कि जो प्रत्याशी हो स्थानीय हो, और खासकर जो नाम सबसे ऊपर चल रहा था वो है सत्येंद्र नारायण सिंह का। तो सत्येंद्र नारायण सिंह क्या प्रत्याशी बन पाएंगे निर्दलीय हो या आप किसी पार्टी के द्वारा, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार का चुनाव कौन जीतता है। लेकिन नेक टू नेक फाइट होगा, अगर ये सब प्रत्याशी नहीं होंगे तो नेक टू नेक फाइट होगा आरजेडी के प्रत्याशी श्रीमती अजया यादव जी और राजेश सिंह जी के द्वारा, एक दूसरे में काफी फाइट देखने को मिल सकता है। लगातार भ्रमण कर रहे हैं दोनों प्रत्याशी अपने क्षेत्र में, लेकिन बुलगानी जी भी लगातार अपने पप्पू यादव के द्वारा जो काम किया गया है उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से पप्पू यादव ने जन संपर्क किया जब पटना डूब गया था 2018 में, कैसे लोगों को मदद किए थे, फिर 2019 में बाढ़ आई, फिर 2020 में कोरोना में कितना सुविधा दिए, लगातार यह आदमी तक, लोगों तक यह बात पहुंचा रहे हैं। तो यह जो जानकारी हम दिए, बस यह थोड़ा मौखिक जानकारी जो कि लगातार यह पन्नों पर आपको थी, यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फिर हम कल
आपसे चर्चा करने के लिए आएंगे रात्रि के 8 बजे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मोहद्दीन अगर के आप हैं, तो अगर अपने पार्टी को जिताना चाहते हैं, अपने विधायक को जिताना चाहते हैं, आपके मन पसंदीदा विधायक जो बनना चाहते हैं उसे वोट करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि जब भी हम यह न्यूज डालें तो आपको सूचना मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय।